शादी के दिन दुल्हन की मौत, आज आनी थी बारात, पिता ने डोली की बजाय बेटी की अर्थी को दिया कंधा, लाल जोड़े में दी गई अंतिम विदाई। कुक्षी विधानसभा के अंतर्गत डही ब्लॉक में मुख्यमंत्री कन्या विवाह आयोजन में नव विवाहिता को दी जाने वाली सामग्री गुणवत्ताविहीन होने पर कुक्षी SDM नवजीवन पवार ने विवाह आयोजन को एक दिन पहले निरस्त किया। भिंड महगांव शिव शक्ति मैरिज गार्डन में कोतवाल सरकार के चित्र पर पूजन माले अर्पण कर भिंड में जन्मे महगांव विधानसभा की जनता के दिल में राज्य करने वाले बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और कांग्रेस के पूर्व मंत्री राकेश चतुर्वेदी के छोटे भाई मुकेश चतुर्वेदी का आज 54वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जहाँ प्रदेश सरकार ने प्रदेश की महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया है। वहीं इस योजना में बैंकों में हो रही EKYC को लेकर अब महिलाएं दर दर भटकती देखी जा रही हैं। खबर हनुमानगढ़ के संगरिया से है, जहां कृषि विज्ञान केंद्र स्थित ग्रामोद्यान विद्यापीठ द्वारा आज बुधवार को प्राकृतिक खेती परंपरा भी जरूरत भी। यूपी के हमीरपुर जिले में एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि महिला का पड़ोसी युवक उसको अपनी बाइक में बिठाकर 12 दिन पूर्व पार्क के गांव में ले जा रहा था, तभी से महिला लापता। महाराष्ट्र के ठाणे जिले का देवा जंक्शन, जहां आए दिन हादसे होते हैं, अनाउंसमेंट के बावजूद भी पब्लिक ट्रैक पार करती है और हादसे का शिकार होती है। पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर के निर्देशन में अपराधों की पतारसी एवं रोकथाम के लिए जहां एक और जन जागृति अभियान चलाए जा रहे हैं। बस्ती जिले के कुदरा ब्लॉक के भत्तूपुर गांव के आंखों से दिव्यांग तीन सगे भाइयों को DM प्रियंका निरंजन ने मुख्यमंत्री आवास की सौगात दी है। दिनांक 15 मार्च 2023 दिन बुधवार को वाराणसी पब्लिक स्कूल केरातकपुर के प्रांगण में 91वीं राष्ट्रीय महिला हेडबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह सम्पन्न हुआ।